गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे मानव प्रजाति के वर्गीकरण की और मानव प्रजाति के वर्गीकरण की दिशा में किन किन विद्वानों ने महत्वपूर्ण काम किया है, उन विद्वानों के बारे में जानेंगे और जो हमारे विषय में एक तरह से हमारे सिलेबस का जो पार्ट है उस पार्ट के तहत हम जानेंगे कि विभिन्न चरण मोदी ने प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया और उन जो प्रजातियाँ हैं जो उन्होंने बताई थी प्रजातियाँ उनका उनके बारे में जानने की उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ उनका विस्तार है। तो मानव प्रजाति की वर्गीकरण की दिशा में सबसे पहले जो काम किया है वो एक हालांकि ये तो प्रजाति के बारे में जानकारी जो प्राचीन यूनानी जो चिंतक थे उन्होंने भी इस संदर्भ में प्रजाति की बनावट और उसके संबंध में थोड़ा काम करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही कम था, पर्याप्त नहीं था, वैज्ञानिक तरीके से भी प्रतिपादित वो नहीं था। तो अब हम जानते हैं कि मगर उन विद्वानों का काम उतना पर्याप्त नहीं था जितना कि वर्तमान समय की आवश्यकता को सर्व करते और आधुनिक जो कह सकते हैं चिंतन है उसकी एक तरह से पूर्ति कर सके। तो इस संदर्भ में हम जानते हैं कि मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पहले किया, हमने पहले जाना कि प्रजाति क्या होती है, पहले जाना कि प्रजाति क्या होती है, प्रजाति एक किसी भाषा धर्म क्षेत्र और प्रादेशिक चिंता की भावना से परे एक ऐसा एक शारीरिक और आनुवंशिक लक्षणों का समूह है जो किसी विशाल समूह में पाया जाता है और जिनकी जिनकी परिणति जन्म दर जन्म होती है, यानी कि अपने पीढ़ियों के रूप में एक आनुवंशिक तौर पर वो एक अनुभवों का उनका संचरण होता है और इसमें परिवर्तन भी कई तरीके से आते हैं। तो अब हमें जो जो जन्म होते हैं क्रिया परिवहन नीति की प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है नैतिक सभ्यता को, अर्थात प्रजाति के होने से ये फर्क नहीं पड़ता कि ये कम विकसित है, ये ज्यादा विकसित है, ये लोग ज्यादा सिविलाइज है, ये कम सिविलाइज है, ऐसा नहीं है। प्रजाति सिर्फ करते करते नस्ल को प्रकट करती है कि उनकी शारीरिक रचना किस प्रकार की है, किस प्रकार का उनका एक कहते हैं जलवायु ने उन उस मानव प्रजाति को किस तरह से प्रभावित किया है। अच्छा, प्रमुख विद्वान इस संदर्भ में ये प्रमुख विद्वानों ने अपना योगदान दिया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इस संदर्भ में एक आवश्यक कार्य किया था वो फ्रांसीसी एक तरह से विद्वान थे बर्नियर, जो फ्रांसीसी यात्री थे जो भारत की यात्रा पर गए थे, उन्होंने पांच प्रकार के इन प्रजाति वर्गों के बारे में बात की, यूरोपियन, अफ्रीकन है ना, और एशियाई जो लोग हैं, दक्षिण एशिया पीढ़ी अवसर के लोग, उन्होंने पांच प्रकार के प्रजाति को वर्गीकरण किया। फिर कार्ल लिनियस नाम के और विद्वान होते हैं, उन्होंने नौसा के रंग के आधार पर कि काली प्रजाति के लोग, पीली प्रजाति के लोग और श्वेत प्रजाति के लोग, इस तरह से इन्होंने एक तरह से नौसा के रंग के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। कुटिया महोदय ने वर्ण के आधार पर ही इसकी काकेसाइड, मंगोलाइड और एक तरह से जो कह सकते हैं कि हम लोग निगोइड की प्रजातियों का वर्णन किया। हक्सले महोदय ऐसे हैं जिन्होंने वही थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड भाषण देकर यह कहा था कि मैं पूरी शिद्दत और निष्ठा के साथ इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मेरे पूर्वज जो कहते हैं कभी मानव थे या वन मानव थे, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे वो प्राइमेट थे। तो उसकी घोषणा करने वाले अक्षर मोदी ने भी केस किया बालों की बनाव ख्याल रखा कि बाल बिल्कुल लहरदार हैं, सीधे हैं या गुमराह हैं, तो इनके आधार पर इन्होंने दिशा तय की। फिर टोपी कार्ड है मोदे, इन्होंने दो तरीके से वजन आवश्यक किया, पहला इनका रंग का था, रंग के आधार पर चौथा का रंग किस तरह का किस तरह से वो देखते हैं उसके आधार पर, और दूसरा अपना पानी की बनाव के आधार पर। तो टोपीनार मोदे के दो वर्गीकरण थे। हेडन मोदे हैं, इन्होंने मल्टीपल फैक्टर्स को काम में लिया कि रंग भी कहा, बालों पर बनावट भी है, नासी का सूचकांक है, चेहरे से सूचकांक है, इससे कफेलिक इंडेक्स है, इन सब को देख करके हेडन मोदे ने खूब आए एक तरह से वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोबर मोदे भी इन्होंने भूकार के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके अलावा ये सब वैसे नहीं विचार
रहे हैं। इसके अलावा रशियन विद्वान है नेथु और लेबोक्सोव, इन्होंने दो विद्वान है, इन्होंने अलग अलग समय अपना कार्य किया है, इन्होंने प्रजाति के पंजीकरण के संदर्भ में अपना काम किया है। तो अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इस बात को जानेंगे कि बिल्कुल जब हम बोले जो बता रहे थे कि मानव प्रजातियां है वो कितने प्रकार की है और किस प्रकार उनका विकास हुआ। तो जो मानव जो है उन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी जो प्रजातीय उद्भव और विकास पर, उस किताब में उन्होंने बताया, किताब का नाम है द इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस के माध्यम से उन्होंने अपना एक तरह से विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें बताया उन्होंने कि किस प्रकार प्रजातियाँ अस्तित्व मानी और किस प्रकार वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ चलती गई। तो उन्होंने कहे जो गैर मध्य की उन्होंने कहा कि प्रजातियाँ हैं, समस्त प्रजातियाँ हैं, ये एक तरह से है कि ये मध्य एशिया से होती थी और एक के बाद एक विभिन्न जलवायु कारकों के प्रभाव स्वरूप ये एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापित होती चली गई और एक के बाद एक नई प्रजाति विशेष होती चली गई। ये इन्होंने मत प्रस्तुत किया था और ये इनका मत है कि मध्य एशिया का जो ओरिजिन फ्रॉम सेंट्रल एशिया ये स्वीकार्य है और उतना स्वीकार्य नहीं है। ये इनका मत है, स्वीकार्य तो है लेकिन उतना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक दूसरा मत भी है जो मानव की उत्पत्ति और उद्भव का आधार स्थान सेंट्रल एशिया के बजाय अफ्रीका को मानते हैं, मध्य अफ्रीका को। खैर अगर उस बात की बार बढ़ने से पहले हम लोग ये यही तय करते हैं कि ये जो सात प्रकार के वर्गीकरण बताए प्रजाति के, निग्रिटो, निग्रो, ऑसलाइट, मेडिटेरियन, नॉर्डिक, अल्बानो और मंगोलाइट, जो ये वर्गीकरण हमें दिखता है, इस वर्गीकरण को हम जानते हैं, पता करते हैं कि किस प्रकार का इसका वर्गीकरण रहा है। तो नेगेटिव प्रजाति क्या है, सबसे पहले उद्भव हुई मानव प्रजाति थी, आज की प्रजाति अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी और कुछ सुदूर भागों में ये मौजूद रहती है, अफ्रीका दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका, उसमें होटेड्रो जैसे की प्रजातियाँ हैं, पिग्मीज हैं, इनके रूप में, या पापुआ में जो पापुआ लोग हैं वहाँ पर इस तरह की प्रजातियाँ मिलती हैं। निग्रो लोग हैं, जो निग्रो लोग आज हम लोग जो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे या देखा होगा उन्होंने क्रिकेट में देखते होंगे, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स आते हैं या कभी आप रेसलिंग या एथलेटिक मुकाबले देखते हैं कभी टीवी पर, तो देखते होंगे कि जो काली चमड़े के बिल्कुल चॉकलेट रंग के जो लोग हैं, काली चमड़ी तो खैर एक नेगेटिव रंग है, जो चॉकलेटी रंग वर्ण के जो लोग हैं जो कि अफ्रीका के मध्य और उत्तरी मध्य अफ्रीका से आते हैं, इथियोपिया, सूडान वगैरह से, तो नाइजीरिया वगैरह, तो ये यहाँ पर जो प्रजाति है ये प्रजाति निग्रो प्रजाति है। लेकिन क्या है, उपनिवेशिक काल के दौरान जब विभिन्न औपनिवेशिक शक्तियाँ क्या है कि अपने औपनिवेशिक शक्तियाँ अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, तो उस दौरान उन्होंने दास व्यापार का जो एक क्रम बढ़ाया था, उस दास व्यापार के लिए ये प्रजातियाँ विश्व के विभिन्न भागों में भी ले जाएगी और विश्व के विभिन्न भागों में ले जाकर के इन प्रजातियों को वहाँ पर बसा दिया गया। अब उन प्रजातियों को जो बसाया गया है वहाँ प्रजातियाँ ये निवास है और उन उस प्रकार की जलवायु के भी इनमें परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं, लेकिन फिर भी इनके अपने मूल स्वरूप में अभी तक कायम है और काफ़ी सर्दियाँ अभी तक उसी प्रकार की है जिस तरह की वो पहले थी। तो अब इनमें चीज़ें जैसे निग्रो है, अब निग्रो का एक तरह से कहें कि ये लंबी कदकाठी के होते हैं, मध्यम और लंबा कदकाठी होता है इनका, और मध्यम और चॉकलेटी रंग होता है इनका, जबड़ा बड़ा ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, होंठ बाहर की तरफ उठले हुए होते हैं, मोटे होते हैं, नाक बड़ा सा होता है और ऊपर की तरफ उठा होता है। तो इस तरह से इनकी कुछ विशेषताएँ हैं, इनके आधार पर हम लोग इनको निग्रो प्रजाति के रूप में क्लासीफाई कर सकते हैं और ये एक तरह से दूसरे कैरेक्टर एक तरह से जो प्रजाति के लोगों की बात होती है वहाँ की बात करते हैं। तीसरा है ऑस्ट्रेलाइट लोग, ऑस्ट्रेलाइट लोग है तीसरे कैरेक्टर के लोग आते हैं, ये भारत में भी इस नस्ल के काफ़ी संख्या में लोग
जाति लोग मौजूद हैं श्रीलंका में और तमाम दक्षिण पूर्वी एशिया के कई नई जनजातीय लोग हैं जो इसकी संख्या काफ़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है। डार्विन नस्ल के लोगों के लिए भी कभी आश्चर्यदायक जो प्रजाति का होने का एक तरह से बात की जाती है कभी बार। इसके बाद मेडिटेरियन जो नस्ल आती है इस ऑस्ट्रेलिया में भी ये होते हैं, इनका रंग भी चॉकलेटी होता है लेकिन कद उतना बड़ा नहीं होता, लंबा नहीं होता, मध्यम या लंबा कद होता है, बहुत लंबा नहीं होता। इसके अलावा रंग चॉकलेटी होता है, जब आप इनका थोड़ा सा गुजरा हुआ आपको मोटे होते हैं उतने मोटे मीटरों के होते हैं, तो इस तरह से इनकी विशेषताएँ हैं। फिर वेजिटेरियन प्रजाति आती है, वेजिटेरियन जो आज वेजिटेरियन सी है उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रही प्रजाति है एक तरह से, और ये प्रजाति इसके अलावा अरब प्रायद्वीप में और उत्तरी भारत तक इसका विस्तार मिलता है, उत्तरी भारत उत्तरी पश्चिम भारत तक इसका विस्तार मिलता है। तो इस प्रजाति की विशेषताएँ हैं कि लहरदार बाल होते हैं, गोरा और पीत वर्ण, गोरा और भूरा रंग होता है, आंखें नीली या भूरी होती हैं और इसे लंबाई मध्यम से ये बहुत लंबे तक होते हैं इनकी, और होंठ पतले होते हैं, नाक इनकी मध्यम आकार की होती है, नुकीली और एक तरह से नुकीली और पतली नाक होती है, और एक तरह से कहें कि इनकी जो दूसरे केस है वो लहरदार होते हैं, और यही कुछ विशेषताएँ हैं जिनके जिनका मेडिटेरियन प्रजाति के रूप में लोग कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्डिक प्रजाति, नॉर्डिक प्रजाति उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है ना, आजकल नॉर्वे स्कैंडिनेवियन जो देश है वहाँ पर है, पोलैंड है, इस तरह के जो क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजाति थी ये बहुत वो नॉर्डिक प्रजाति थी। लेकिन अब इसके क्या कि जैसे ही उपनिषद काल आया उस दौरान तमाम देशों में उपनिषद बसाए गए, तो ये अमेरिका कैनेडा और दुनिया भर के विभिन्न भागों में जाकर के ये शिफ्ट हो गए, और नॉर्डिक पीपल आज जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से दुनिया की सबसे विकसित समुदाय के रूप में माने जा सकते हैं। इनकी विशेषताएँ भी थोड़ी चेंज होकर के मेडिटेरियन प्रजाति ही रहती हैं कि बाल लहरदार होते हैं, भूरे होते हैं, इन्हें तो साफ लालिमा युक्त श्वेत पद होता है, इसमें मेडिटेरियन पीला पद से श्वेत रंग होता है या लालिमा युक्त श्वेत रंग होता है, जिसके कारण इनका बनावट की अलग रहती है। इसके अलावा ये इनकी लंबाई बहुत अच्छी होती है, ये बहुत लंबे प्रकार की इसमें प्रजाति के रूप में इनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और बाल लहरदार होते हैं, सपाट होते हैं, और चेहरा है जो इनका जबड़ा कम उभरा हुआ होता है, यानी अंदर की तरफ थोड़ा खिंचा हुआ भी मान सकते हैं लोग, कम उभरा हुआ अंदर की तरफ खिंचा हुआ, इस तरह की इनकी विशेषताएँ रहती है। बाल भूरे होते हैं और लहरदार होते हैं, इसके अलावा नाक दस्ती और नाक पतली और नुकीली होती है, आगे की तरफ नीचे होती है, इस तरह की विशेषताएँ भी होती है। इसके बाद में एक तीसरा सॉरी छठा जो महत्वपूर्ण प्रजाति जो निकल करके आती है जैसा मौर्य के सिद्धांत के अनुसार वो है अल्पाइन प्रजाति, और अल्पाइन प्रजाति ये अल्पाइन जैसे कि आल्पस या अल्पाइन इससे संबंधित है, ये इस क्षेत्र में सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति थी, जो इसका विस्तार भी कहीं ना कहीं मध्य पूर्व तुर्किस्तान अरब प्रायद्वीप और उत्तरी भारत दक्षिण भारत या अफगानिस्तान के इलाकों तक इनका विस्तार है। ये प्रजाति दूसरी सबसे नवीनतम प्रजातियों में से एक है। इसके बाद मंगोलॉयड प्रजाति है, मंगोलॉयड प्रजाति आज काफ़ी संख्या में चीन जापान कोरिया और दक्षिण पूर्व के जो एशिया है दक्षिण पूर्व एशिया वहाँ मौजूद है, और इस प्रजाति का संख्या का आधार भी काफ़ी बड़ा है, और ये प्रजाति कैसे कहें कि इनकी विशेषता होती है कि पतले होंठ होते हैं, नाक चपटी नाक होती है और मध्यम मोटी होती है, इसके अलावा बाल इनके सीधे होते हैं, सपाट बाल होते हैं, लहरदार लहरदार उमड़े बाल नहीं होते, सीधे सपाट बाल होते हैं, सीधे सपाट बाल होते हैं। इसके अलावा इनका कैसे कहें
सातों प्रजातियों को एक बार हमने पढ़ा है और इसी प्रजातियों को वर्गीकरण हम हमारे प्रवास का जीवन सिद्धांत हम अगले अध्याय में करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी को हमारा जो कहते हैं कि गृह कार्य है कि इन विविध जनवर्ग के अनुसार जो सात प्रजातियां हैं उनको आप व्यवस्थित तरीके से अपने नोटबुक में लिखकर प्रयास करें ताकि आपको इस संदर्भ में अच्छी जानकारी विकसित हो सके। उनके साथ आप जो पर मौजे हैं उनका जो सिद्धांत है उसके हिसाब से भी आप अपने प्रजातियों का वर्गीकरण अतिरिक्त योग्यता के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो आपके सिद्धांत के लिए धन्यवाद और आप हमारे इस कहते हैं कि जो क्लास में बने रहें आगे आपको अपडेटेड